शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना जरूरी बताया। इसके साथ ही चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी पुरजोर विरोध किया। कश्मीर में आतंकियों पर सेना का करारा प्रहार। बांदीपुरा में जवानों पर हमला करने वालों की तलाश जारी। एक दिन पहले ही सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया था। यूपी के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज की बस ने 9 छात्रों को कुचला। 7 छात्रों की दर्दनाक मौत, 2 की हालत बेहद गंभीर। हादसे के बाद से ड्राइवर फरार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी में जोराई के मंच से गठबंधन की जमकर वकालत की। उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी के लोगों को त्याग करने में कभी भी कमी नहीं होगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुजन समाज पार्टी का सहयोग करने का भी निर्देश दिया। कांग्रेस का सेवा दल RSS को टक्कर देने के लिए देश में 1000 जगह ध्वज वंदन कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है। हर महीने के आखिरी रविवार को होने वाले इन कार्यक्रमों में राष्ट्रवाद को लेकर महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों की चर्चा होगी। गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड में सुर्खियों में आए डॉक्टर कफील अहमद के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। 3 गोलियां मारकर बदमाश फरार है। आपसी रंजिश के शक में हो सकती है ये घटना। पुलिस जांच में जुटी। बिहार के नालंदा में किसानों के आंदोलन का दर्दनाक नजारा देखने मिला। हजारों किलो सब्जियां सड़क पर फेंक किया प्रदर्शन। JCB से कुचली गई किसानों की मेहनत। सलमान खान की हत्या की साजिश का खुलासा गुरुग्राम के STF टीम ने किया। बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर संपत नेहरा ने पुलिस की पूछताछ में कहा सलमान को उनके घर की बालकनी में मारने की थी साजिश। हरियाणा पुलिस की STF ने बीते 6 जून को हैदराबाद से संपत नेहरा को गिरफ्तार किया। क्ले कोर्ट के किंग और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने रविवार को ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को 6-4, 6-3, 6-2 से हराकर 11वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। सुनील छेत्री ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में केनिया के खिलाफ 2 गोल दाग कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारतीय टीम के कप्तान ने अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी के 64 गोलों की बराबरी कर ली है। छेत्री और मेसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सक्रिय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग की ऐतिहासिक शिखर वार्ता के लिए तैयारियां तेज। मंगलवार को होनी है बातचीत। किसी सत्तारूढ़ अमेरिकी राष्ट्रपति की उत्तर कोरिया के नेता के संग ये होगी पहली मुलाकात। किम की उत्तर कोरिया से सिंगापुर तक की यात्रा बहुत गोपनीय। आखिरी समय तक किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर किम किस विमान से सिंगापुर पहुंचेंगे।